कांग्रेस पार्टी और हार्दिक पटेल गुजरात चुनाव के नतीजे आने से पहले ही ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब एक बार फिर से गुजरात के कामरेज सीट के उम्मीदवार ने वाईफाई के जरिए ईवीएम हैक करने की आशंका जताई है। दावा है कि जिस कमरे में ईवीएम मशीन रखी है उसके आसपास वाईफाई जोन पाया गया। हैकिंग की शिकायत के बाद इस जगह पर वाईफाई सेवा बंद कर दी गई। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक जारीवाल की शिकायत के बाद अठवा लाइंस इलाके में स्थित गांधीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज के वाईफाई सेवा रोक दी गई। इस स्ट्रांग रूम में 6 विधानसभा क्षेत्रों ओलपड़, मांडवी, महुआ, व्यारा, कामरेज और मंगरोल की ईवीएम रखी हुई है। वहीं एग्जिट पोल में सत्ताधारी बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया है। बता दें कि तकनीकी कारण के चलते गुजरात विधानसभा की 6 सीटों पर दोबारा चुनाव हुए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, गांधीनगर।